आज की क्लास हमारी रैबिट की सेशन नंबर 3। इसमें हम देखेंगे मॉडिफाई कमांड कितने होते हैं, डोर को कैसे लगाते हैं, कैसे एडिट करते हैं, विंडो को विजुअल स्टाइल क्या होता है, और सारे सेशन 1 में हैंड्स ऑन दिया हुआ है, यानी आप प्रोजेक्ट करना ना भूलें। जैसे सेशन 2 में आपको बताया गया था लेवल्स एंड वॉल्स बताया गया था, ड्राइंग एड्स बताया गया था, लेवल क्या होते हैं, वॉल क्या होते हैं, कंस्ट्रक्शन मॉडलिंग टूल क्या होते हैं, और उसमें क्या करना है आपको एक रूम का क्या बनाना है, ड्राइंग बनाना है, ठीक है। या आप चाहें तो 4 रूम का भी लेकर के कोई ड्राइंग बना सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं सेशन नंबर 3 को मॉडिफाई कमांड्स। पहला कमांड हमारा मॉडिफाई में मूव टूल। मूव का मतलब होता है शॉर्टकट हमने पढ़ा होगा कि हमने कोई ड्राइंग बना ली है, हमें उसमें क्या करना है, कोई चीज़ मूव करना है। जैसे मैंने एक यहाँ पे रूम बना लिया, अब हम मूव करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, इसको मूव करना चाहते हैं, तो इसका शॉर्ट कमांड भी दिया हुआ है MV फॉर मूव कमांड, यानी किसी ऑब्जेक्ट एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान पे रख सकते हैं। जैसे आप इसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, इसका क्या काम करना है, यहाँ पे आपको वीडियो लोडिंग दिखा रहा है, वीडियो लोड हो जाएगा तो दिखाएगा कि फिर वो कैसे हमारा टूल वर्क करता है। इससे भी आप आसानी से सीख सकते हैं, कभी भी आप भूलें तो। मैंने मूव को सेलेक्ट किया, मूव को जैसे ही सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे पूछता है बेस पॉइंट, आगे पूछ रहा है बेस पॉइंट हमें दे दिया ये, फिर पूछ रहा है सेकेंड पॉइंट कहाँ देना है। तो जैसे मूव करेंगे तो मूव तो होगा, लेकिन क्या होगा, ये 20 फीट है, ये क्या रहा है, ये भी साथ में मूव होते हुए चला रहा है। फिर से देख लीजिए, मूव कमांड पे सेलेक्ट किया, ये हमने पॉइंट सेलेक्ट किया, ये 20 फीट है, अगर हम 5 फीट करते हैं टोटल अभी 25 फीट हो जाता है, 25 फीट 6 इंच। तो हम चाहते हैं कि क्या करें, केवल ये ऑब्जेक्ट मूव हो, ये लाइन इसके साथ में मूव ना हो, तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट के जो हमारा है, ठीक है ना, इस पर हम क्लिक करते हैं, सेलेक्ट किया, नीचे यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो कंस्ट्रेंट पे क्या हो रहा है हमारा, कि हमारा टोटल ऑब्जेक्ट मूव हो जा रहा है। अगर हम यहाँ पे डिसजॉइंट का मन अलग कर दें तो हम क्या करेंगे, इस वॉल को केवल मूव करेंगे तो वॉल ही मूव होगा और कोई चीज़ मूव नहीं होगा। फिर से देखिए एक बार, सेलेक्ट किया, मूव पे गए, हम चाह रहे हैं कि ये हमारा लेंथ घटे या बढ़े नहीं, क्या करेंगे डिसजॉइंट पे क्लिक करेंगे और बेस पॉइंट आप जो भी देना चाहें अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। तो मैंने बेस पॉइंट ये ले लिया और उठा करके 6.5 फीट मैंने क्या कर दिया, मूव कर दिया। तो ये हो गया आपका मूव कमांड, MV फॉर मूव कमांड। अगला है कॉपी, CO फॉर कॉपी। कॉपी का मतलब डुप्लीकेट बनाना, हम चाह रहे हैं इसी वॉल को सेलेक्ट करें और तो कहाँ रख दें, तो यहाँ पे रख दें। तो ये क्या हो गया हमारा, कॉपी हो गया। कॉपी में सेलेक्ट करते हैं तो अगर मल्टीपल ऑप्शन चाहिए तो यहाँ पे मल्टीपल पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैंने ये हमारा है जिसको हम चाहते हैं कई सारा इसमें वॉल हम ले लें, पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे उसके बाद से टूल्स को लेंगे। सेलेक्ट किया और यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये क्या हो गया आपका, कॉपी हो गया। अगला हमारा कमांड है रोटेट। रोटेट के लिए हम क्या करते हैं कि इसको भी रोटेट कर सकते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट किया और क्या किया, बेस पॉइंट ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें आप सेलेक्ट किया और यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको रोटेट करते हैं, कितने डिग्री पे, तो 90 डिग्री पे, तो ये क्या हो जाएगा, अनजॉइन मतलब अलग हो जाएगा। इसके लिए हम कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, कहाँ जाएंगे, कंपोनेंट में जाते हैं, प्लेस अ कंपोनेंट। यहाँ पे क्या हुआ है, डेस्क एक बना हुआ पहले से पड़ा हुआ, मैंने एक डेस्क रख दी, इसका उसे क्या रख दिया, इसी के अंदर जाते हैं, प्लेस अ कंपोनेंट, लोड में जाते हैं, यहाँ पे जाएंगे इनक्लोजर, कहाँ पे, इनक्लोजर में जाएंगे, यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें रखी हुई हैं, यहाँ पे एक चेयर भी रखा हुआ है, चेयर को हमने क्या किया, ओपन कर लिया और यहाँ पे रख दिया। देख लेते हैं 3D में कैसा दिख रहा है, देखिए ये हमारा ऐसा कुछ दिख रहा है, यहाँ से ये भी पढ़ना है आपको, सेडेट कर दिया तो अभी यहाँ पे है, इसको हम पीछे मूव करके रख लेते हैं, सेलेक्ट कर लिया, मूव कर लिया, पीछे यहाँ रख लिया। अब इसको हमें उस साइड क्या करना है, रोटेट करना है या यहाँ रोटेट करना है, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, रोटेट पे क्लिक किया, अब एक तो सेंटर पॉइंट बाई डिफॉल्ट दे रहा है कि ये यहीं पे क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा, ठीक है। तो
तो मुझे रोटेट यहाँ तो करना नहीं है, मुझे रोटेट कहाँ करना है, तो मुझे यहाँ करना है। जैसे सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो इसका प्लेस है, प्लेस क्या करेंगे, ये बाई डिफ़ॉल्ट हम क्या करेंगे, इसके सेंटर में करेंगे, यानी ये हो गया। और यहाँ से कोई पॉइंट आप ले लेते हैं और यहाँ से इसे रोटेट करेंगे तो ये रोटेशन आपका दिखाएगा 90 डिग्री। ये हुआ क्या कि टोटल का टोटल रोटेट हो गया। फिर से देखिए एक बार, सेलेक्ट किया, रोटेट पे गए, प्लेस पे सेलेक्ट किया, प्लेस पे क्या दिया, तो यहाँ सेंटर पॉइंट दिया और यहाँ मुझे इसका कॉपी करना, एंगल चाहे तो आप फिल कर सकते हैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग 90 डिग्री। तो भी क्या हो गया, ये रोटेट आपका हो गया। जब ये रोटेट हो गया, मूव कर पीछे देख देंगे, इसको क्या कर सकते हैं, मिरर कर सकते हैं। तो उसके बाद तुरंत मिरर आप देख लीजिए, मिरर में क्या है, एक आपका मिरर है पिक एक्सिस, ठीक है ना, यानी जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे तो कहेगा एक्सिस पिक कीजिए, ठीक है। तो ये एक्सिस हो सकता है, ये हो सकता है, या फिर ये किनारे का हो सकता है। तो मैंने ये एक्सिस सेलेक्ट किया, तो जैसे जो हम सेलेक्ट करेंगे तुरंत इसके अपोजिट साइड में क्या हो जाएगा, वो मिरर हो जाएगा। लेकिन हमें इसके अपोजिट साइड में मिरर नहीं करना है। अगेन सेलेक्ट किया, ठीक है, ठीक है, एक्सिस, ये मैंने क्या किया, इसका सेंटर पॉइंट जो था इसको किया, तो ये क्या हो गया, अभी सेम डिस्टेंस पे हो गया। अगर इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आकर के हम क्या करते हैं, इसका ये बीच का एक्सिस सेलेक्ट करते हैं, तो ये आपका अपोजिट साइड में मिरर हो जाएगा। अब देखेंगे कि यहाँ पे चार्ज हेयर आपका सेट हो गया है। अगला हमारा कमांड है, एक फिगर ऐसा हम कुछ बना लेंगे, दो वॉल यहाँ एक वॉल यहाँ है, इसको जैसे सेलेक्ट करते हैं तो ऊपर ऑप्शन दे रहा है, ये हो गया मूव कॉपी रोटेट, ठीक है। और ये दोनों का मिरर मैंने बता दिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑटोकैड में सेम यही प्रोसेस था आपका। अगला कमांड अलाइन, अलाइन पढ़ा होगा, तो अलाइन क्या करता है, दो ऑब्जेक्ट्स को उनको क्या करता है, अलाइन करने का काम करता है, यानी सेम एंगल में। क्या किया, ये ऑब्जेक्ट का मैंने ये पॉइंट सेलेक्ट किया, ये पार्ट, और इसका जो मैंने जा करके ये पार्ट लास्ट में सेलेक्ट किया, तो करते हैं दोनों का एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, पैरेलल एक दूसरे में, देखो दोनों का लाइन क्या हो गया, इक्वल हो गया। एक बार इसमें ध्यान रखने वाली ये है कि पहले आप जिस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, ये अलाइन सेलेक्ट किया, क्या अगर हम ये पॉइंट चाहते हैं तो ये पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं, सेंटर भी हो सकता है और एंड भी हो सकता है। फिर मैंने इधर से ये कॉर्नर सेलेक्ट किया और इसका मैंने कौन सा पॉइंट, तो ये कॉर्नर सेलेक्ट किया, तो क्या हो जाएगा, ये वही कॉर्नर जा करके यहाँ पे अलाइन हो गया, यानी दोनों का एंगल क्या हो गया, अब इक्वल हो गया, ठीक है, दोनों ज्वाइन हो गया है। ये आपका हो गया अलाइन कमांड। डिलीट कर देते हैं। अगला हमारा कमांड है ऑफसेट। ऑटोकैड में ऑफसेट भी आपने पढ़ा होगा, ऑफसेट में क्या होता है, डिस्टेंस देना होता है, तो यहाँ डिस्टेंस आप दे दीजिए, 10 फीट का डिस्टेंस दे दिया। जैसे इस वॉल को आप जाके सेलेक्ट करते हैं तो क्या होता है, ये तुरंत आपका बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एक वॉल और बना लेते हैं, एक वर्टिकल वॉल बना लिया, सेलेक्ट किया, ऑफसेट पे गए, 10 फीट से ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है, इसी से अप या डाउन कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं। और अगर आपको डिस्टेंस चेंज करना है, ये ऑटोकैड में नहीं होता है, बीच में फिर आपको चाहते हैं डिस्टेंस यहाँ चेंज कर दें तो आप बीच में डिस्टेंस भी चेंज कर सकते हैं। ये तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है मिरर का पॉइंट। अगला हमारा है स्प्लिट एलिमेंट। स्प्लिट का मतलब क्या होता है, बांटना या तोड़ना। अगर कोई वॉल बहुत एक्स्ट्रा है या बहुत ज़्यादा है, चाह रहे हैं कि ये हमारा वॉल बीच का न रहे, ठीक है, तो क्या करेंगे, या इसी को नहीं रखना चाहते हैं तो यहाँ से कट एक लगा देंगे, क्या करेंगे, कट लगा देंगे, कट लगा दिया, यहाँ से पकड़ा और एक कट लगा दिया, कट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये सिलेक्ट हो जाएगा आसानी से और टूट जाएगा, डिलीट कर देंगे, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या होगा कि अगर इसको हम सिलेक्ट करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो सारा डिलीट होगा, बीच का नहीं डिलीट होगा, तो क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर सकते हैं, जितना भी चाहिए डिस्टेंस या डिस्टेंस दिखाता रहता है, और जब ये डिस्टेंस दिखा देगा तो यहाँ से कर सकते हैं आसानी से, इसको तोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ कटिंग करके आपको दिखा देते हैं, ये बाहर से देखने में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर इसको हम जाके थ्रेडी में देखें तो थ्रेडी में हमारा कुछ ऐसा फीलिंग नहीं आएगा, लेकिन आप चाहते हैं इसको यहाँ पे, ये वायर फ्रेम आपको पता ही है, वायर फ्रेम क्या होता है,
क्या हिडन लाइन यहाँ पे है और यहाँ पे हमारा शेडेड है कलर। तो मैंने कहा यहाँ सेलेक्ट किया था ना, क्या ये कटा हुआ है लेकिन आपको पता नहीं चलेगा सिलेक्शन के बाद। इसका बेनिफिट ये है कि चाहे तो इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, आपको बाउंड्री वॉल दिखाना है तो उस तरीके से लेके दिखा सकते हैं, इसको और ज़्यादा छोटा करना है और ज़्यादा छोटा कर सकते हैं। तो साइड का वॉल दिखाना हो तो ये कटिंग करके आप दिखा सकते हैं। क्या इसका नाम है, स्प्लिट टूल नाम है इसका। इसके बगल में एक है स्प्लिट विथ गैप। आप चाहते हैं कि जो हमारा वॉल हो ये कटिंग भी हो जाए, थोड़ा थोड़ा गैपिंग भी हो जाए, इससे बाहरी वॉल के लिए दिखाते हैं। जैसे सिलेक्ट करेंगे 1 इंच दिया तो मुझे थोड़ा सा लगे गैपिंग, इसलिए मैंने 6 इंच कर दिया। यहाँ पर क्लिक कर दिया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ठीक है। इस तरीके से जितने डिस्टेंस पे चाहते हैं आप इसको तोड़ सकते हैं। जाते हैं थ्रेडिंग में, ये क्या हुआ, ये आपका कट भी गया है और गैपिंग दिखा भी रहा है। अब इसको भी चाहे तो आप एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं, जो भी एडिट करना चाहते हैं। फिर आपको लग रहा बाद में कि ये दोनों चीज़ को मैं मर्ज कर देना चाहिए, जैसे ऑटोकैड में ब्रेक दिया था ब्रैकेट पॉइंट, तो सबसे पहले जो ये लॉक दिया हुआ इस लॉक को आप ओपन कर लेंगे, इसके लॉक को भी क्या कर लेंगे आप ओपन कर लेंगे, ठीक है। और ये जो लाइन दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे, लॉक ओपन कर लिया, ये जो लाइन दिख रहा है ओपन कर लेंगे और इसको ला के इसके ऊपर ड्रैग कर देंगे, दोनों क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। फिर से देख लीजिए एक बार, सेलेक्ट किया, लॉक को ओपन कर दिया, इसके लॉक को भी क्या किया, अपन इस पर क्लिक किया, अगेन अनलॉक और इस पर क्लिक कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों का दोनों आपका ऑब्जेक्ट लॉक हो जाएगा। और इसको ला करके एक दूसरे के ऊपर ड्रैग कर देंगे, देखेंगे फिर क्या हो जाएगा, जो आपका कटिंग हुई थी ये आपकी कंप्लीटेड हो जाएगी वॉल पूरी। ये आपका हो गया स्प्लिट विथ कैप। ये क्या चीज़ है, तो ये है आपका पिन। पिन का मतलब जैसे आपने कोई आइटम रख दिया, हमने अभी ये बनाया था, इसको हम चाहते हैं कहीं भी ये इधर उधर मूव ना हो, रोटेट ना हो, तो इसको क्या कर दें, पिन कर देंगे। पिन का मतलब जो जहाँ पे है वहीं पे सेट हो जाए। तो यहाँ पे अगेन सेलेक्ट कर लिया, यहीं पे दिया ऑप्शन दिया हुआ पिन का, पिन का मतलब पिन कर देते हैं, कोई चीज़ क्या होता है स्थिर हो जाता है, वैसे क्या हो जाएगा, ये स्थिर हो जाएगा, लॉक ऑफ मॉडल एलिमेंट इन प्लेस, यानी वहीं पर लॉक हो जाएगा। अब इसको आप ना ही मूव कर सकते हैं, ना ही रोटेट कर सकते हैं, ना इसका कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ये फिक्स हो गया। जैसे किसी रूम में डोर विंडो रख दिया और बेड रख दिया, उसको कर दें लॉक कर देंगे। अगर दोबारा किसी को मूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, सबको या वन को सेलेक्ट करके यहाँ पे अनपिन कर देंगे, फिर इसको आप मूव कर सकते हैं। इन सबको भी करना है तो सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे अनपिन कर दिया, फिर ये क्या हो जाएगा आपका, ये तो आपको पता ही है, डिलीट करना होता है तो क्या करते हैं, डिलीट बटन पे क्लिक कर देते हैं, ये आपका हो गया। अगला टूल है हमारा ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर, यानी कि आपको कॉर्नर ट्रिम एक्सटेंड करना हो तो इसका यूज कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, कॉर्नर को ट्रिम करना है, तो पहला इसको सेलेक्ट करेंगे, दूसरा इसको सेलेक्ट करेंगे, क्या आ जाएगा, ये पूरा कॉर्नर जो भी रहेगा इसका डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल जेड कर दिया, यहाँ देख लीजिए क्या किया, इसको सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट कर दिया, जो डॉटेड पार्ट है क्या हो जा रही है, ये आपका बच जा रहा है। फिर से देखिए, सेलेक्ट किया इसको, ये लाइन सेलेक्ट कर ली और ये लाइन, तो जो डॉटेड वाले वो लाइन क्या हो जाएगी, ये बच जाएगी। डिपेंड करता है कि आप क्या डिलीट करना है, अगर हम ये सेलेक्ट करते हैं इधर, तो ये जो डॉटेड लाइन है ये क्या हो जाएगी, इधर के एरिया हमारा बच जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा, ये सेलेक्ट किया, तो इसी से आपका ट्रिम और एक्सटेंड दोनों हो जाएगा। अगला कमांड है ट्रिम एक्सटेंड सिंगल ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये सिंगल एलिमेंट का ट्रिम एक्सटेंड करना है, जैसे हम चाहते हैं ये पार्ट एक्स्ट्रा इसका ट्रिम कर दें, तो क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट किया और फिर जाके इसको, तो जो डॉटेड लाइन होती है ये हमारी बच जाती है, आगे की डिलीट हो जाती है। लेकिन फिर मुझे बाद में ज़रूरत पड़ी कि इसी लाइन को मुझे आगे बढ़ा देना चाहिए, कहाँ तक, तो यहाँ तक। फिर से देखिए, ट्रिम एक्सटेंड सिंगल को सेलेक्ट करते हैं
तो एक्शन लिख गया होता है, अगला हमारा रेफरेंस होता है। रेफरेंस मैंने ये सेलेक्ट कर लिया और इसको जैसे सेलेक्ट करेंगे लाइन फिर आगे बढ़ जाएगी। फिर से देखिए आगे इसको बढ़ाना है तो क्या करेंगे, ये अगला रेफरेंस सेलेक्ट किया और इसको जाके सेलेक्ट कर लिया, आगे लाइन हमारी बढ़ गई। अगर इसको मुझे जहाँ तक ले जाना है तो जिस लाइन पे हम सेलेक्ट कर लेंगे मुझे यहाँ तक लेके आना है, यहाँ सेलेक्ट कर लिया, उसको जैसे ही सेलेक्ट करेंगे ये हमारा एक्सटेंड हो जाएगा। फिर अगर इसको कटिंग करना है तो क्या करेंगे, सेम प्रोसेस सेलेक्ट कर ट्रिम एक्सटेंड सिंगल। अब मैं क्या करूँगा, पीछे सेलेक्ट कर लूँगा और जैसे लाइन को सेलेक्ट करूँगा जो डॉटेड है वो बच जाएगी, आगे की डिलीट हो जाएगी। अगेन सेलेक्ट किया इस लाइन को, सेलेक्ट किया ये आगे का डिलीट हो जाएगा। तो ना इसका यूज़ करते हैं ना इसका यूज़ करते हैं, डायरेक्ट किसका यूज़ करते हैं, हम ट्रिम एक्सटेंड मल्टीपल का यूज़ करते हैं। यानी एक बार में एक से अधिक लाइन को आपको एक्सटेंड करना हो तो क्या करेंगे, आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे इसका एक्सटेंड करना तो एक बार इकट्ठे यहाँ सेलेक्ट करेंगे और क्लिक करते हुए बस चले जाएंगे, एक्सटेंड होते हुए चला जाएगा। ठीक है, आगे एक पार्ट मुझे सारा डिलीट करना है तो मैं क्या करूँगा, इसी को मैं सेलेक्ट कर लिया, ये पार्ट मैं सेलेक्ट करता हूँ, बस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करते चले जाऊँगा, आगे का सारा पार्ट क्या हो जाएगा, आपका ट्रिम हो जाएगा। कंडीशन जैसी रहेगी वैसे आप लेकर के इसका यूज कर सकते हैं। ये क्या है, तो एक्स्ट्रा वॉल है, इसको आप तो मैनुअली सेलेक्ट करके कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ये आपका डिलीट। तो इस तरीके से कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनानी होगी तो इसका यूज़ करके आसानी से बना सकते हैं। अब इसमें दो कमांड बच गया, एक हमारा एरे बच गया और एक हमारा ये स्केल बच गया। ठीक है, देखते हैं अगला हमारा कमांड है एरे कमांड। ठीक, मैंने क्या किया, चेयर इंसर्ट कर लिया, सेम प्रोसेस से एरे पे जाते हैं तो टू टाइप ऑफ एरे यहाँ पे दिया हुआ है, एक दिया हुआ है यहाँ पे लीनियर और एक दिया हुआ है रेडियल। तो मैं लीनियर का यूज़ करता हूँ, लीनियर में भी दो ऑप्शन है, एक सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट मीन्स ये इसे चेयर बना हुआ है, हम चाह रहे हैं कि एक चेयर जो है ये क्या करे, ये इतने डिस्टेंस पे, ये कि 4 फीट के डिस्टेंस पे ये एक एक चेयर को रखे। अब जैसे मैंने सेकंड पॉइंट दे दिया यहाँ पे, ठीक है, तो अब दिखा रहा है कि दूसरा पॉइंट हो गया, अब कितने इसमें चाहिए। तो अगर यहाँ पे हम 9 कर देते हैं तो ये सेम इतने इतने डिस्टेंस पे क्या हो जाएगा, आपका 9 चेयर क्या हो जाएगा, लग जाएगा। इसको आप एडिट करना चाहते हैं 9 से 12 करना चाहते हैं तो 12, यानी अगर आपने 2 फीट की दूरी दे दी तो 2 फीट पे चेयर सेटिंग होते हुए चला जाएगा। अगेन इसको अनग्रुप करना चाहते हैं तो अनग्रुप कर सकते हैं, एडिट करना चाहते हैं तो एडिट करके इसमें कुछ चीज़ें और भी ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, एंड लास्ट में फिनिश कर सकते हैं। और अनग्रुप कर दिया तो क्या हो जाएगा, एरे सब खत्म हो जाएगा हमारा, अभी नॉर्मल हो गया। बीच के मान लीजिए 2 चीज यहाँ पे जाने के लिए मुझे रास्ता बनाना है, जैसे स्टेडियम में या सिनेमा हॉल में आपने देखा होगा, तो ये क्या होता है, गैपिंग पैसेज होता है और यहाँ पर हमारी स्टेयर किस क्या लगी होती है, ये लगी हमारी होती है। अगेन देखिए इसको सेलेक्ट किया यहाँ से एरे, सेकेंड पॉइंट मैंने उठाया और पहला पॉइंट यहाँ, दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ दे दी। ठीक है, और कितने हमें रो चाहिए, तो यहाँ हमें चाहिए 8 दूरियाँ, तो ये आपका ऐसे बनते हुए चला जाएगा। यानी देख लीजिए इसको फ्रंट से, अब यहाँ से आए तो आप स्टेयर के सेट कर सकते हैं, ये आपकी चेयर क्या हुई है, बनी हुई है। जब फ्लोर बता दिए तो फ्लोर भी इसमें लगा करके आप अच्छे से दिखा सकते हैं। अगला इसी में एक और हमारा है, दूसरा वाला लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट मीन्स कि आपके आपको ये पता है कि मेरे पास 10 फीट का डिस्टेंस है, तो मैं सेकंड पॉइंट लेकर लास्ट पॉइंट कर देता हूँ। ये यहाँ से मेरे पास कितना है टोटल डिस्टेंस, तो मेरे पास 20 फीट है या 21 फीट है, मैंने समथिंग 20 फीट रख दी। ठीक है, अब इसके अंदर कितनी चेयर आ सकती हैं मैक्सिमम, तो मैंने यहाँ पर क्या किया 16 इंटर कर दिया। तो 16 क्या रहा, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, 10 इंटर करके देख लिया 10, ये 10 पे भी क्या है, ये सही है लेकिन बस ये थोड़ा सा हैंड है। यानी अगर 9 चेयर हम रखते हैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये आसानी से हमारा सेट हो जाएगा। यानी एक बार में क्या हो गया, ये 9 चेयर आपका सेट हो गया। यानी इस 20 फीट में 9 क्या सकता, 9 चेयर आसानी से आ सकता है, 10 करेंगे तो थोड़ा पास पास हो जाएगा। तो ये भी हमारा क्या है, ऑप्शन है कि एक हम पॉइंट यहाँ से लिए और हमने 20 फीट दे दिया और 20 फीट के अंदर कितनी चेयर आ सकती है, यानी एक रूम में कितने लोग बैठ सकते हैं। अगेन चाहे तो फिर से सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हमने ले ली एरे,
ये लास्ट पॉइंट, यहाँ से मैंने फिर यहाँ से दे दिया समथिंग डिस्टेंस, यहाँ दे दी 20 फीट की। अब यहाँ पे कितनी आ सकती हैं, तो यहाँ भी हम कर देंगे 9 दे दिया हमने। तो क्या सकता है, ये इस तरीके से चेयर लग सकती है। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे रियलिस्टिक व्यू भी है इसका, रियल में देखने कैसा ये लगेगा। थोड़ा टाइम लगेगा रेंडर करने में, क्योंकि चेयर्स क्या हैं ज़्यादा हैं और इसका रियल व्यू देख रहे हैं। तो ये आपका कमांड कंप्लीट हो गया, मूव कॉपी, ठीक है, पेस्ट, रोटेट, मिरर, ड्रॉ एक्सिस, ठीक है, DIM, अलाइन, ऑफसेट, एरे, एरे में एक बचा हुआ है, ठीक है, रेडियल, सेलेक्ट, स्प्लिट एलिमेंट, स्प्लिट विथ गैप, ट्रिम एक्सटेंड सिंगल एलिमेंट, ट्रिम एक्सटेंड मल्टीपल ऑब्जेक्ट, डिलीट, पिन और अनपिन, ये कहते हैं मॉडिफाई कमांड्स हमारे थे। ये आपकी कंप्लीट हो गया। अगला हमारा है डोर, ठीक है, पहले मॉडिफाई को कुछ कंप्लीट कर लेते हैं, एक दो जो बचा हुआ है, फिर हम क्या करेंगे डोर को पढ़ेंगे। अगेन जाते हैं कहाँ पे, होम में, कंपोनेंट में गए यहाँ से, और यहाँ से हमने क्या किया, इनक्लोजर में जा कर के चेयर को हमने इंसर्ट कर लिया, रख दिया यहाँ पे चेयर। अब एरे में दूसरा हमारा पॉइंट है, पहला तो हमारा क्या था, ये लीनियर थे, दो ऑप्शन थे, एक लास्ट पॉइंट का और एक सेकंड पॉइंट का, ठीक है। अगले रेडियल में जाएंगे, तो अब इसी को चाहते हैं कि बीच में एक टेबल रखा हुआ, ये पूरे राउंडेड में हमारा है, तो यहाँ भी दिया हुआ है यहाँ पे सेकंड पॉइंट, तो सबसे पहले प्लेस देंगे, ठीक है, प्लेस मतलब ये कहीं बीच में यहाँ पे मैंने ये दे दिया, ठीक है, और सेकंड पॉइंट मतलब ये पहला और दूसरा डिस्टेंस ये दे दिया। कितने सारे हैं यहाँ पे, तो मैंने यहाँ दे दिया 9 दे दिया। यानी पहला हमारा ये है, रोटेशन एंगल ये दे दिया, और मैंने 5 क्या कर दिया यहाँ पे सेटिंग कर दी। इसको चाहें तो आप एडिट भी कर सकते हैं, या 5 से अलावा और भी आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो वो भी देखिए क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। इसे दिया हुआ यहाँ पे डिग्री दिया हुआ है, 90 डिग्री हमने कर दिया, यानी क्या हो गई, इतने इतने डिग्री पर यह हमारा सेट हो गया। कोई ख़ास हमारा यूज इसका नहीं होता है। अगेन एरे पे गए, और यहाँ पे क्या किया, लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट मतलब पहले इसका प्लेस सेटिंग कर देते हैं, प्लेस हमने यहाँ पे कहीं रख दिया, और लास्ट पॉइंट मैंने रख दिया ये यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये मैंने लास्ट पॉइंट सेटिंग कर दी, 3 है, तो इसको अगेन मैंने 7 कर दिया। तो क्या हो गया, जितना हमने एंगल लिया था उतने एंगल में कितने हमारे चेयर आ सकते हैं राउंडेड में, फिर से देख लीजिए, ये जो आपका दिया गया था एंगल, ठीक है ना, इसको हमने कर दिया से बढ़ा के 180 डिग्री, यानी ये क्या हो गया, आधा रेडियस हमारा हो गया, तो कितने इसमें हमारे चेयर आ सकते हैं। और इसको एडिट करना चाहते हैं, इसको मैंने कर दिया 360 तो 0 हो जा रहा है हमारा। अगेन क्या किया, सेलेक्ट किया, कर दिया मैंने 350, क्योंकि 360 कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, ये सेम हो जाएगा। अब यहाँ पे कितने आइटम रखना चाहते हैं, ये हमारा इतना डिस्टेंस क्या हुआ, इसमें गैपिंग हुआ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो ये हमारा हो गया राउंड। कोई हमारा एरे का कोई खास यूज नहीं है, फिर इसको अगर नहीं चाहते हैं तो हम ग्रुप कर देंगे और एक को क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। ये सब क्या हो जाएगा, बीच में चाहे तो टेबल उठा करके आप रख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एरे कंप्लीट। अगला एक पॉइंट और बचा हुआ हमारा लास्ट, ये हमारा टेक्स्ट के ऊपर वर्क करता है, सेलेक्ट किया यहाँ पे, इसका नाम है स्किल। स्किल ऑटोकैड में अपने पढ़ा है, स्किल क्या करता है, जैसे ऑटोडेस्क लिखा हुआ क्या है, तो छोटे में लिखा हुआ है, इसको स्किल करके हमें बड़ा करना है, तो जब हम टेक्स्ट पढ़ाएंगे तो वहाँ पे इस चीज़ को क्या करेंगे, कवर कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा है स्किल लास्ट कमांड। ये सारे कमांड आपके मॉडिफाई के कम्प्लीट हो गए। ये यहाँ तक आपके क्या हो गए, 16 पॉइंट्स कंप्लीट हो गए।